दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आज टू स्टेप वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। दोस्तों आज अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप अपना बाइटी स्टूडियो यूज नहीं कर पाएंगे और बाइटी स्टूडियो के साथ साथ आप अपना चैनल भी डिलीट होने से नहीं बचा पाएंगे और कोई भी आपका चैनल हैक कर सकता है। दोस्तों आप चाहे नए क्रिएटर हों चाहे पुराने क्रिएटर हों, अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन ना करने से आप आज के बाद आपको बहुत ही बड़ा लॉस होगा और आप बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज कर पाएंगे। जब आप बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने वीडियो में कैसे एसईओ करेंगे, कैसे थंबनेल लगाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है youtube.com, यूट्यूब क्रोम ब्राउजर में आपको ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको youtube.com सर्च करना है तो आपके सामने कुछ ही सेकंड में जैसा आपके यहाँ नेट होगा वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे डेस्कटॉप साइड पे कर रखा है इसलिए मेरा यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस आ गया। अगर आपने डेस्कटॉप साइड नहीं ऑन किया तो इसे ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, उसके दोस्तों आपको लोगो वाले आइकन पर अपने क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही सेकंड में जो है यूट्यूब स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपके सामने इस तरीके से धीरे धीरे इंटरफेस ओपन होने लगेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने जैसा आपके यहाँ नेट की सुविधा होगी वैसे ही आपके यहाँ चलेगा। दोस्तों मेरे यहाँ नेट प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक मोनेटाइजेशन का सेक्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। एस डॉलर जो दिखता है इस पर हमें क्लिक करना है, हम मोनेटाइजेशन में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैनल अभी ये दूसरा वाला ये मोनेटाइज नहीं है, मैं इसका टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टू स्टेप का जो है लॉक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ ही देर में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस भी अकाउंट को आप वेरीफाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड इंटर कर देना है, जो भी आपका पासवर्ड हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो आपके सामने कुछ ही सेकंड में एक अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोन वर्जन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहले से ही नंबर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो मैं डालना चाहता हूँ वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, 9621 इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, हाउ टू यू वांट टू गेट कोड, आपको कोड किस टाइप में चाहिए, फ़ोन कॉल पर चाहिए या टेक्स्ट मैसेज पर चाहिए। तो मैं टेक्स्ट मैसेज पर ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन मिलता है, आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इंटर योर कोड, यानी कि आपका जो मैसेज अभी आया है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे फिर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टर्न नाउ का, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा इस यूट्यूब स्टूडियो। आपके सामने एक मैसेज भी आ गया टू स्टेप वेरीफिकेशन का, तो इसका मतलब हमारा टू स्टेप वेरीफिकेशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब दोस्तों यह हमारा आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो आपको लॉक दिख रहा था वो अभी सही का निशान दिख रहा है, मेरा ये टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया है। दोस्तों आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।